खन्यादाना थाना प्रभारी सुरेश शर्मा ने जब से खन्यादाना थाने की कमान संभाली है तब से एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। इसी कार्रवाई को देखते हुए आज खन्यादाना थाना प्रभारी सुरेश शर्मा के द्वारा एक अवैध रूप से गांजा भेज रहे आरोपी को मुखबिर की सूचना पर धर दबोचा है। आरोपी के कब्जे से 2 किलो सूखा गांजा बरामद किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक शिवपुरी रघुवंश सिंह भदौरिया द्वारा अवैध मादक पदार्थ रखने व विक्रय करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु आदेशित किया गया था तथा जीरो टॉलरेंस अपनाने के निर्देश दिए गए। उक्त आदेश के पालन में आज दोपहर खन्यादाना पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि गंगू पुत्र नन्नू केवट निवासी ग्राम सिलपुरा नई बगिया का अपने दरवाजे पर बैठकर अवैध रूप से गांजा बिक्री कर रहा है। उक्त सूचना पर पुलिस ने मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर दबिश दी तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर हाथ में थैला लेकर भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस ने घेर कर पकड़ लिया। पुलिस की पूछताछ में अपना नाम गंगू पुत्र नन्नू केवट निवासी ग्राम सिलपुरा नई बगिया का होना बताया। आधिपत्य कब्जे में रखे थैले के अंदर की पॉलिथीन के अंदर सूखा हरे रंग का गांजा जैसे मादक पदार्थ मिला जिसे तोला तो 2 किलोग्राम गांजा जिसकी बाजार कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी से पूछताछ जारी है। खन्यादाना से शिवकांत सोनी की रिपोर्ट।